किसान आंदोलन को आज एक साल पूरा हो गया है और साल 2020 में 26 नवंबर को ही कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। कुछ दिन पहले ही कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा वापस भी लिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कानून वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन किसानों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। आंदोलन का एक साल पूरा होने पर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं। किसान आंदोलन का एक साल पूरा होने पर सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने बड़ी सभा की है और इसके साथ ही हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों ने आंदोलन का एक साल पूरा होने पर किसान महापंचायत का आयोजन भी किया। कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन किसानों ने कहा कि अब आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ कृषि कानून वापसी ही नहीं बल्कि हमारी कई अन्य मांगे भी हैं। इनमें से MSP को लेकर कानून बनाए जाने की मांग प्रमुख है। किसान आंदोलन को एक साल पूरा होने पर किसान नेता राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और मंच के माध्यम से उन्होंने अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक साल का लंबा संघर्ष बेमिसाल रहा, थोड़ी खुशी और थोड़ा गम है, लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून किसानों का अधिकार है। MSP से ही किसान को लाभ मिलेगा। ये जो तीन काले कानून थे, इसमें तो जनता का भी लाभ था। किसानों को तो MSP है, जो आज आते में इनकी फसलों को लूटा जाता है, उसका लाभ MSP से मिलेगा। सरकार के पास में देखो, जब तक पार्लियामेंट चलेगा, सरकार के पास में सोचने का समझने का सब टाइम सरकार के पास में है। 29 तारीख से और 23 तारीख तक चलेगा, 23 तारीख तक चलेगा पार्लियामेंट। हम फैसला पार्लियामेंट चलने पर लेंगे, फिर आगे हमें आंदोलन कैसे चलाना, आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। और 27 तारीख की है संयुक्त मोर्चे की मीटिंग, कल भी फैसला लिया जाएगा। 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च है, जो 30 ट्रैक्टर जाएंगे, इस बॉर्डर से भी का रास्ता खुला हुआ होगा, तो हम 30 ट्रैक्टर के। चलो, तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सवित मलिक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सवित जी आपका NB न्यूज पर। फिलहाल कृषि कानून रद्द हो गए हैं, लेकिन किसान अभी भी MSP पर कानून की मांग कर रहे हैं। आज जिस तरीके से राकेश टिकैत ने ये बातें कही है, उन्होंने मंच के माध्यम से संबोधन दिया है अपना, और एक साल पूरा कृषि कानूनों को हो चला है, अब आगे पार्लियामेंट में क्या कुछ रणनीति किसानों की रहने वाली है? अभी 29 तारीख को 1000 किसान जाएंगे डेली के साथ में, और हमारा आंदोलन अभी जारी रहेगा। MSP की मांग हम तो कर ही रहे हैं, माननीय मोदी जी ने भी की थी 11 में, तो जो इन्होंने मांग की थी अपनी मांग पूरी करेंगे। 2011 में एक कमेटी बनाई गई थी जो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में थी, और इन्होंने जो है ये कहा था कि जो है किसानों को MSP मिलनी चाहिए, तो वही मांग हम कर रहे हैं, उसी में हम काम कर रहे हैं, और किसानों को MSP मिलनी चाहिए, जो मुकदमे हो गए ये वापस होने चाहिए, किसानों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी की बर्खास्तगी होनी चाहिए। यही सारे मुद्दे हैं, इन पर लगातार आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन सविद जी देखिए, किसानों के कहीं ना कहीं अभी भी ये कह सकते हैं कि एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून रद्द किए हैं, उसके बावजूद भी किसानों की अब ये मांग है, उन्होंने ये बात कही है कि ना तो कानून बनाते समय किसानों से बातचीत की गई थी और ना ही कानूनों को अब जब वापस लिया गया है तब किसानों से बातचीत की गई है। देखो, वो अपने को हिटलर शाही कर रहे हैं, ये देश की सरकार हठधर्मिता की सरकार है, ये किसी की सुनने वाली नहीं है, इनको अपना नफा नुकसान दिखता है, ये राजनेता नहीं है, बिजनेसमैन है। अब इनको चुनाव आ रहे हैं तो इसमें नुकसान नजर आ रहा है, तो ये वापस ले ले, लेकिन जो इन्होंने दिया था वो वापस ले लिया, तो इसमें किसानों को क्या मिला? किसान के तो 700 कुछ परिवार के लोग चले गए, किसान ने तो यहाँ पर अपना समय खराब कर दिया एक साल का। हमको MSP चाहिए, और जितनी हमने एक पत्र लिखा है, 6 मांगे हैं उसमें, वो 6 की 6 मांगे जब तक नहीं चलेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन अभी जो शीतकालीन सत्र है उसमें कहा जा रहा है कि कानूनों को रद्द करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन MSP पर अभी भी बात नहीं की गई है। विपक्ष की भूमिका में आप इस पर किस तरीके से देखते हैं विपक्ष की भूमिका को? नहीं, विपक्ष अपना काम करेगा, हम लोग तो राजनीति करने नहीं आए हैं,
हम लोगों का काम है किसान का अन्न बचाना, इस देश का अन्न बचाना, किसान की मंडी बचाना और किसान की जमीन बचाना, इसकी लड़ाई हमारी है। हमारी सत्ता पक्ष के लिए लड़ाई नहीं, ना चुनाव के लिए लड़ाई है, ना हम कोई चुनाव लड़ने जा रहे, ना हमारी कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार कहती हैं कि हम किसानों की आवाज उठा रहे हैं, अब आप क्या चाहते हैं कि अभी जो विपक्ष है वो अभी जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें किस तरीके से किसानों की आवाज उठाए, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा का जो सदन की कार्यवाही अभी हाल ही में हुई उसमें हमने देखा कि सिर्फ पेगासस का मुद्दा उठा, किसानों पर बातचीत नहीं हुई। देखो हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत लड़ाई लड़े, अगर विपक्ष मजबूत होता तो हमको सड़कों पे ही ना आना पड़ता। बिल्कुल, विपक्ष तो कुछ कर ही नहीं रहा। अगर विपक्ष कहीं दमदार होता तो आज हम सड़कों पे थोड़ा ही होते एक साल से। विपक्ष तो राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है हमारा, हमारे कंधे पे पैर रखकर जैसे बीजेपी वाले सत्ता में पहुंचे ऐसे ही विपक्ष वाले पहुंचना चाहते हैं। इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपना राजनीतिक लाभ चाहिए। ठीक है, हमको किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है, हमारी किसानों की सब राजनीतिक पार्टियों को जरूरत है। ठीक है सविद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो लगातार कानून जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर अभी भी रार बरकरार है और इसी को लेकर अब किसानों की रणनीति आगे की भी तैयार हो चुकी है।